सुधर्माकारी साहब, मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं सिर्फ बड़े बजट की फिल्में करती हूँ, टॉप बैनर की, मैं टीवी सीरियल्स नहीं करती। ऑलराइट या गुड मॉर्निंग प्रेमा जी। गुड मॉर्निंग केशव जी। कैसी हैं आप? कैसी लग रही हूँ मैं? फर्स्ट क्लास, एक्सलेंट, मार्वेलस। थैंक यू। सॉरी सॉरी। हेलो प्रेमा जी। हेलो कोकी जी। क्या चल रहा था केशव? अंदर चलो। हाँ चलो अंदर चलो। क्या हो डॉल, हंस क्यों रही हो? कोई पागल देखा क्या? नहीं केशव जी, एक ही बात है। केशव जी मेरी तारीफ कर रहे थे तो पीछे से कोकी जी ने आके उनको टोक दिया। पता है सभी शादीशुदा मर्दों की यही प्रॉब्लम है, बीवियां पीछे पड़ जाती हैं। नॉनसेंस। वैसे आई वंडर केशव जी का क्या हाल होगा जब मैं हॉलीवुड चली जाऊंगी तब। डॉल तुम्हें उस केकड़े की फिक्र है और मेरी कोई फिक्र नहीं। तुम्हारी फिक्र मैं क्यों करूं, तुम तो वेट कर रहे हो मैं कब हॉलीवुड जाऊं। हो ऐसा मत कहो डॉल। और नहीं तो क्या, कल रात सपने में कह रहे थे बाय बाय डॉल, टाटा डॉल, और मुंह से हवाई जहाज की आवाज भी निकाल रहे थे। मैं ऐसे क्या? बिल्कुल ऐसे। हाँ रियली? लेकिन सपने में तो आदमी कुछ भी कहता है। जी नहीं, सपने में वो सिर्फ वही कहता है जो उसके दिल के अंदर होता है। डॉल डॉल तुम अगर चली गई हॉलीवुड तो मेरा क्या होगा, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारा। किसका फोन है? हेलो प्रेमा, सपना बोल रही हूँ अमेरिका से। सपना फ्रॉम अमेरिका? कितने सालों बाद तुमने मुझे याद किया सपना, वेरी बैड। मैं इंडिया आ रही हूँ प्रेमा। ओह लवली। हाँ मॉडलिंग के लिए इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ओह दैट्स ग्रेट, कब आ रही हो तुम? परसों आफ्टरनून। सपना तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब है, परसों दोपहर को तो मैं अमेरिका जा रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं वहाँ आ रही हूँ और तुम अमेरिका आ रही हो, हाउ सैड। बट प्रेमा मैं रहूंगी कहाँ? रहने की बात है ना, तुम मेरे घर में रह सकती हो। डॉल हमारे घर में कैसे रहेगी वो? शट अप। तुम्हारा घर खाली? खाली समझो, सिर्फ एक पति है यहाँ पर बस। What do you mean? But don't worry, he's very harmless. दिल नाम है उसका, लेकिन खातिर बहुत अच्छी करेगा तुम्हारी। हाँ ओनली जरा ये अड़ोसी पड़ोसी वालों से जरा बच के रहना तुम, खासकर केशव कुलकर्णी से। मेरा मतलब वो केशव कुलकर्णी यहाँ पर एक पड़ोसी है, वो औरतों के मामलों में थोड़ा, you know what I mean? प्रेमा, don't worry, ऐसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकती हूँ। After all, अमेरिका की ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। Yes, of course. Don't worry, सपना, दिल तुम्हारा सारा इंतजाम करेगा, okay? तुम यहीं रहोगी। Okay, thanks a lot. Bye. Bye. No problem. अब तो तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा ना यहाँ पर, है ना? But still, I'll miss you, doll. यार, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। तो यहाँ कौन तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना चाहता है? अच्छा तो जाओ अपने मायके चली जाओ। क्यों चली जाऊँ मैं मायके, क्यों चली जाऊँ? ताकि तुम प्रेमा के साथ और फ्लर्टिंग करते रहो। देखो कोकी, प्रेमा जी का नाम मत लेना। अगर तुमने दूसरी बार प्रेमा जी का नाम लिया तो मैं तुम्हें तलाक देकर प्रेमा जी के साथ शादी करूंगा, समझी? और जिंदगी भर कपड़े धोते मुझे परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें सचमुच में तलाक दे दूंगा। अरे जाओ जाओ, मुंह तो देखो तलाक देने वाले का। अच्छा ये बात है, आज ही एक अच्छे से वकील को मिलकर मैं तुम्हें नोटिस भेजता हूँ, देखती रह जाओगी। मम्मी रो मत, मैं बड़ा होकर डैडी को घर से निकाल दूंगा। चुप चुप चुप, खबरदार ऐसी बात की तो जुबान खींच लूंगी मैं तेरी। अरे मुझे तो लगा आप खुश हो जाओगी, वरना उस उम्र में मैं नया डैडी कैसे लाऊंगा। चुप बैठता है कि नहीं, जा अंदर जाकर अपना होमवर्क कर ले जा। हाँ माँ, और आप भी अपना रोना जारी रखो, हो सकता है डैडी आपको नई साड़ी दे दे। भाग अंदर जा। कुकी क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? धमकी देता है बार बार केशव, मुझे धमकी देता है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। इतनी सी बात पे रो रही हो? तो और क्या करूं? अरे मैं तो सीधी इनके सामने तलाक का फॉर्म ही रख देती थी। तलाक का फॉर्म? हाँ, हमारे इनको बार बार मुझे धमकी देने की आदत थी,
मैं सीधी गई वकील के पास और ले आई तलाक का फॉर्म और रख दिया इनके सामने हा? और कहा दे दो तलाक। तब से इनकी बोलती बंद हो गई। अच्छा? देखो एक फॉर्म मेरे पास अभी भी है। इसका मतलब तुम फॉर्म लेकर ही घूमती हो? पता नहीं कब किस वक्त इसकी जरूरत पड़ जाए। लो तुम भी रख लो। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे रख लो, आइंदा अगर केशु ने तुम्हें धमकी दी ना तो मेरा फॉर्मूला यूज करना। अरे वो तो मुझे वाकई तलाक दे देगा। तो फिर तुम ही फायदे में रहोगी ना। कैसे? हर महीने तुम्हें मुआवजा मिलेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे रे रे, ये सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा? इससे तो अच्छा होता मैं गधे का मुंह देखता। गधे का मुंह देखना है ना? तो जाओ अंदर जाके आईना देख लो। ये गंगा। चुप केशु चुप। सुबह से मुझे धमकी दे रहे हो ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अरे छोड़ो ना कोकी, वो तलाक का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों? मैंने वकील को फोन किया तो उसने मुझे कहा कि तलाक के फॉर्म की शॉर्टेज है। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास है तलाक का फॉर्म। गंगा मौसी लाई है मेरे लिए, ये लो। अच्छा ये बात है, ऐसे नेक काम तो गंगा ही कर सकती है ना। अगर अब तुम्हें हिम्मत है तो दे दो कोकी को तलाक। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना कोकी, आज शाम तक तुम्हें तलाक मिल जाएगा। गुड बाय कोकी। केशव, तो केशव कुलकर्णी की प्रेस्टीज का सवाल है। हाँ? क्या हुआ? गरम है, गरम है। अब मेरी दूसरी शादी हो या ना हो, मैं कोकी को तलाक देकर ही रहूंगा। यह बात है तो फिर चलो। तुम्हें एक अच्छे वकील के पास लेकर चलता हूँ। उस वकील का नाम क्या है? एडवोकेट तलाक मां। अच्छा तो आपको अपनी बीवी से तलाक लेना है? मैं अपनी बीवी को कुछ दिनों के लिए तलाक देना चाहता हूँ। ये कुछ दिनों के लिए क्या होता है? तलाक तो हमेशा के लिए होता है या नहीं होता है? नहीं नहीं मिस्टर तलाक बार, कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी को तलाक दे देता हूँ, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर से शादी कर लूंगा। मेरे 90% क्लाइंट ऐसा ही करते है। ये कपल देख रहे हो, ये है ना मेरे लाइफ मेंबर है, इनको मैंने 4 बार तलाक दिलाया है। 4 बार? हाँ, क्या होता है 2 तलाक के बीच में इनको फिर से प्रेम हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। अरे तलाक तो इनके लिए एक वेकेशन है, वेकेशन। फिर तो आप इन्हें कंसेशनल रेट में तलाक देते होंगे। इन्होंने मेरे पास फिक्स डिपॉजिट रखा है। अच्छा आप तलाक क्यों देना चाहते? मिस्टर तलाकमार, मैं अपनी बीवी को सबक सिखाना चाहता हूँ। इनकी बीवी का बाहर कोई चक्कर है क्या? चक्कर तो बाहर इनका है। क्या? हाँ, इनकी बीवी तो बड़ी सीधी साधी है। ये गोखले, तू मेरा दोस्त है या कोकी का दोस्त है? आई एम सॉरी, आपको तलाक नहीं मिल सकती। अगर मिल भी गई ना तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको। वो कैसे? क्या है, आपको हर महीने अपनी तनख्वाह में से अपनी बीवी को मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर आपको बच्चा होगा, है कि नहीं? नहीं है, बच्चा है, बच्चा है। है ना, तो वो आपकी बीवी लेके चली जाएगी और अगर उसको कोई अच्छा आदमी मिल गया आपसे भी तो आपको जिंदगी भर जलन होती रहेगी, जो आजकल होता है ऐसे किस्से में। इसलिए मैंने जो कहा वो कीजिए, शाम को जल्दी घर जाया कीजिए, समझे कि नहीं? जाइए। अच्छा ओके, लाइए 500। कोकी, क्या है? कोकी, तुम केशव को तलाक कब दे रही हो? मैं तुम्हारे लिए कितने लड़के ढूंढ के लाई हूँ। लड़के? हाँ, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहो तो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटे हैं क्या गंगा मौसी, दोबारा शादी करूँ मैं? अरे पहले पति को सबक सिखाने के लिए दूसरी शादी करनी ही चाहिए। तो तुम क्यों नहीं कर लेती? ये मेरा दूसरा ही पति तो है। क्या? हाँ, और इसके सर पे भी मैंने तीसरे पति का टेंशन छोड़ दिया है। ओहो गंगा मौसी, यू आर ग्रेट, तुम्हें तो अमेरिका में पैदा होना चाहिए। हाँ, अच्छा तो ठीक है, मैं बुला लूँ उनको। नहीं, मैं जरा पहले केशु को बुलाती हूँ। अच्छा। मिस्टर केशव। यस कोकिला। तुम मुझे तलाक कब दे रहे हो? क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है? क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन तुमसे कौन करेगा दूसरी शादी? गंगा मौसी ने मेरे लिए लड़कों की लाइन खड़ी कर दी है। जरा मैं भी तो देखूं किसके भाग्य में शनि की पनौती है। गंगा मौसी, बुला लूं? बुलाओ बुलाओ गंगा, दिखाओ तुम्हारा स्टॉक, दिखाओ। देखते रह जाओगे? आ जाओ भाई लोग। क्या हुआ गंगा मौसी, ये सारे नमूने लाई हो तुम मेरे लिए? ये है एक बच्चे की माँ के लिए चलेंगे ना? नहीं चलेंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। भेज दो इन्हें। भेज दो? बिल्कुल। अच्छा जाओ। अच्छा देखो, वैसे एक और लड़का है बाहर खड़ा है, बुला लूं? अब बुलाया है तो देख लेती हूँ। अच्छा नेक्स्ट। दिलरुबा जी, आप?
कोकी जी, ये लीजिए फूल स्वीकार कीजिए। रखिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें मेरा बायोडाटा भी अटैच्ड है। मैं बहुत जल्दी फ्री हो रहा हूँ। मतलब डॉल मुझे छोड़कर जा रही है। माँ जी आपको छोड़कर जा रही है? हाँ। अरे फिर तो मैं प्रेमा जी के साथ ही शादी कर लेता हूँ। गंगा यह सारा मामला संभाल लेना। लावे टोपी ला। ये मेरी है। क्या? मैं मतलब टोपी तो मेरी है। कोई बात नहीं, टोपी रख ले, नारियल दे दे। नारियल क्यों दे दूँ? ये लेके जा, ये ले। जा, चल। क्या? प्रेमा जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए मैं आपके लिए अंगूठी भी लाया हूँ जवेरी बाजार के मुकुट वाला ज्वेलर्स के यहाँ से। अंगूठी? हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है केशव जी? इट्स वेरी सिंपल प्रेमा जी, मैं आपके लिए कोकी को डिवोर्स दे रहा हूँ। तलाक? हाँ। ओ गॉड। अच्छा दिलरुबा जी बता रहे थे कि आप उनको छोड़ के जा रही हैं। मैं दिल को केशव जी मैं दिल को कैसे छोड़ सकती हूँ? कुछ दिनों के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हॉलीवुड यू सी। लेकिन क्यों? आपको नहीं मालूम केशव जी, हॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर इवान इल्बर्ग ने अपनी इंग्लिश फिल्म चिल्ड्रंस पार्क में मुझे मेन मदर का रोल दिया। ओह, चिल्ड्रंस पार्क में बड़ी माँ का रोल मिला है आपको। गुड गुड। लेकिन प्रेमा जी आप चली जाएंगी तो मैं किसका मुंह देखूंगा? बालकनी से गुड मॉर्निंग किसे कहूंगा? केशव जी डोंट वरी, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है सपना, कल से वो यहाँ रहने आ रही है। वो सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ जाती है, जब वो बालकनी में जाएगी आप उसे गुड मॉर्निंग कह देना। सपना, वो कब आ रही है? कल दोपहर को। और आप कब जा रही है? कल दोपहर को। लेकिन केशव जी देखिए ना, कल की फ्लाइट है, मैं हॉलीवुड जा रही हूँ लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। ओह डोंट वरी प्रेमा जी, गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा और मैं आपको गाड़ी में हॉलीवुड तक छोड़ने आऊंगा। लेकिन केशव जी मुझे गाड़ी हॉलीवुड तक नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट तक चाहिए। सॉरी एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊंगा। ओके केशव जी, आप गाड़ी का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? अरे प्रेमा जी मैं कर लूंगा, डोंट वरी मैं कर लूंगा। क्या नाम बताया, कौन आने वाली है? सपना। सपना, वो कब आ रही है? कल। और आप कब जा रही है? केशव जी एक्सक्यूज मी, ये जरा अंगूठी ले लूं। क्यों? ये भाड़े पे लाया था। ओके प्रेमा जी बाय। सपना भाड़े पे लाया था, इडियट। रामा 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 गुड आफ्टरनून सर। केशव तुम वापस आ गए? सर आज आप ऑफिस पैदल चलकर आए? किसने कहा तुमसे? अपनी गाड़ी में आए हैं हम। ओहो, आपकी गाड़ी की कंडीशन कैसी है सर? टॉप कंडीशन है। अच्छा, वैसे आज फुटपाथ पर चल गई थी, केवल बम्पर टूटा है, बाकी सब ठीक है। अच्छा थैंक यू सर। सर आप कल दोपहर को आपकी गाड़ी से कहीं जाने वाले हैं सर? क्या? नहीं, मेरा एक रिश्तेदार जो है उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाना है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार को तो एसटी से जाना चाहिए। तो एसटी से? सर एसटी हॉलीवुड तक जाती है सर। हमारा रिश्तेदार हॉलीवुड जा रहा है? जी सर। वो कौन है वो? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा सर। बताइए ना, कल दोपहर को आप अपनी गाड़ी से कहीं जाने वाले हैं सर? कल मेरी गाड़ी मैकेनिक के जा रही है, उसका बम्पर टूटा है, लाइट जलती नहीं है और अभी ब्रेक लगाओ तो आधे घंटे बाद लगता है। अच्छा ठीक है सर, मैं प्रेमा जी को बता दूंगा। गाड़ी प्रेमा जी को चाहिए? हाँ प्रेमा जी के लिए चाहिए। प्रेमा जी को? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। तो ले जाओ मेरी गाड़ी। लेकिन आपकी गाड़ी की कंडीशन तो खराब है सर। अरे केशव वो मैंने झूठ कहा था तुमको बनाने के लिए, समझे ना, जाके उससे कह दो प्रेमा जी से कि कल गाड़ी मिल जाएगी ड्राइवर के साथ। ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। रामा 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 डॉल, मुझे एक बात बताओ। क्या? मैं तुम्हें छोड़ने एयरपोर्ट क्यों नहीं आ सकता? लेकिन डॉल तुम यहाँ इतना रो रहे हो तो वहाँ पर कितना बड़ा इमोशनल ड्रामा करोगे तुम? इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, तुम्हें वहाँ चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी सपना आ रही है, कोई तो होना चाहिए घर पे उसे रिसीव करने के लिए। हाँ नीचे जाके देखो गाड़ी आई है कि नहीं आई है। हमारी गाड़ी गैराज में है। रोना बंद करो। हमारी गाड़ी गैराज में है। हमारी गाड़ी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, केशव जी ने खास मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम किया है। ठीक है डॉल, तुम हॉलीवुड जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं भूलूंगी। वहां से जल्दी मत आना। क्या मतलब पूरी फिल्म खत्म करके आना, वरना दोबारा जाना पड़ेगा ना। तुम मुझे इतनी एडवाइस दे रहे हो, थोड़ी एडवाइस मुझसे भी ले लो। कोकी जी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अब जाते समय झगड़ा मत करो डॉल, मेरे करीब आओ। क्या कर रहे हो? मेरे करीब। क्या कर रहे हो? सॉरी मेरे करीब आओ डॉल। क्यों? डॉल आई लव यू। चलिए चलिए चलिए, गाड़ी आ गई। लो कुली नंबर दो आ गया। अबे ये सामान लेके जानी चाहिए गाड़ी में, लोड कर है? और कटका वटका मार, हम लोग आते हैं अभी। चल निकल निकल। आते हैं हम अभी।
Doll. Oh God. I will really miss you. Even I. I can't live without you. चलिए चलिए चलिए. क्या आदमी है? Doll, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा. I love you, Doll. I'll miss you. Doll, मैंने तो आज ब्रश भी किया था. Really? हाँ. Promise? Promise. Okay. अरे चलिए चलिए. एक मिनट यार, बीवी को विदा तो करने दो. तू जा ना यार, तू जा ना यार. चलिए. डॉल, मजा आ गया. वन मोर. गई. बाय डॉल. इस चकलू शर्मा के बच्चे ने कैसा ड्राइवर भेजा, सामान रखने में मेरी मदद भी नहीं करता. प्रेमा जी, आइए हम पीछे बैठते हैं. दरवाजा नहीं खुल रहा. ओ ड्राइवर, पीछे का दरवाजा खोल. इट्स ओके, मैं आगे बैठ जाती हूँ. ओके, आप पीछे बैठ जाओ. ओके. अरे ये पीछे का दरवाजा नहीं खुल रहा है. दरवाजा खोल. अरे दरवाजा खोल. ड्राइवर, अरे ड्राइवर दरवाजा खोल. शर्मा जी आप? अरे सुनिए शर्मा जी. केशव जी, केशव जी, ये डॉल का बैग रह गया, क्या करें? लाइए लाइए, मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट पर. ओके, टैक्सी, टैक्सी. यारो न जाने मुझे क्या हो गया, उस लड़की ने मेरा दिल ले लिया. लगे न अब मेरा जिया. उस लड़की ने ड्राइवर, मेरा ड्राइवर. क्या? सॉरी बॉस, बॉस प्रेमा जी कहाँ है? प्रेमा जी तो निकल गई, वो देखो जा रही है. वो, अरे उनको ये बैग देना है. जल्दी करो, पीछा करो उनका, पीछा करो. चलो जल्दी चलो 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 चलो. अबे तू मुझे उल्लू समझता है क्या? जो मैं प्लेन का पीछा कार से करूंगा. सॉरी बॉस, सॉरी. ओके बाय प्रेमा जी. चलिए चलिए, मुझे घर तक छोड़ दीजिए. चलिए, टाइम नहीं है. अच्छा, प्रेमा जी को हॉलीवुड तक छोड़ने का आपके पास टाइम है और मुझे घर तक छोड़ने का टाइम नहीं है? प्रेमा जी की बात और है और तेरी बात और. मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, रिक्शे से चला जा. जो है यहाँ से कितना दूर है? बस यहाँ पास ही में तो है. चलिए मुझे वहीं जाना, मैं आपको छोड़ देता हूँ. रिक, 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 रिक. हाफ नाश्ते में परेशान है, कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलता है. Oh, I'm sorry. आपका कार खराब है क्या? जी नहीं, कार तो खराब नहीं है, लेकिन मेरे ड्राइवर को जरा मीटिंग में जाना है. मैं ड्राइवर नहीं हूँ मैडम. ए दिख रहा है, दिख रहा है. मीटिंग सब कैंसर है. आपको जो जाना है ना. Yes. चलिए मैं छोड़ देता हूँ. How sweet, thank you so much. शर्मा, एक अनजान लड़की को लिफ्ट दे रहा है, मुझे नहीं, मैं भी साथ चलूंगा. चल आज चलूंगा. ए शर्मा, मैं भी आऊंगा आपके साथ. मैं भी आऊंगा आपके साथ. शर्मा, ज्यादा पंगा नहीं लेने का, समझा? अबे रख ले, रख ले टोपी, रख ले. शर्मा का बच्चा टोपी देकर लड़की उठा ले गया. कोई बात नहीं, कभी ड्राइवर बनूंगा तो काम आएगी. ओहो, प्रेमा जी का बैग, जरा देखो तो, जरूर प्रेमा जी की पर्सनल चीज होगी. के बच्चे खिलौना बनकर मेरा पीछा कर रहा है. देख लूंगा तुझे, देख लूंगा. चुप. हेलो, हेलो, I am Keshav Kulkarni. I am your neighbor. Hey भगवान, तू भी ग्रेट है. एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से देता है. How are you? केशव, आज ऑफिस नहीं जा रहे हो? कुकी, वो देखो. क्या? हमारी नई पड़ोसन.